हाँ लेकिन वैसे निहारी इज गुड, निहारी इज गुड, इट हैज हाई इसके प्रोटीन कंटेंट। हाँ अगर मसाले कम हो निहारी इज गुड, बजाय इसके, अगर पाए अगर पाए निहारी के ऊपर वो डो इज नॉट गुड। तेल ना डाला हुआ हो। लेकिन आप अभी भी चाय पी रही हैं, जो मैं नहीं, ग्रीन टी पी रही मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। आप हूँ, मुझे नहीं पकड़ सके, आज मैं ग्रीन टी नहीं पी रही हूँ। नहीं नहीं तो मैंने एहतजाजन इस इंटरव्यू से उठ के चले जाना था। आपको पता है बिरयानी की एक प्लेट, एक मीठा जो आप उसके बाद खाते हैं, और एक कोला ड्रिंक, इस सारे की कैलोरीज खत्म करने के लिए जो आपने कंज्यूम कर ली, यू हैव टू डू 34 किलोमीटर मैराथन। मैं स्टूडियो में इस वक्त बैठी हुई हूँ। क्यों बैठी हुई हूँ भाई? आप लोगों को याद होगा मैंने एक स्टेटस डाला था ना, स्पेसिफिकली टैग डॉक्टर अफान साहब। क्यों? मैंने उनसे बोला था कि भाई देखिए, आपने पिज्जा को कर दिया है टारगेट, आपने कर दिया है समोसों को टारगेट, लेकिन बिरयानी से ना कुछ हमारे जज्बात जुड़े हुए होते हैं, तो आपने उनको क्यों क्यों हमें बिरयानी पे आपने करा दी है तनकीद? क्योंकि भाई हम पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं बिरयानी पे, और किसी से भी ये चीज ली नहीं गई, तो भाई मैं डॉक्टर इरफान साहब को वन ऑन वन लेकर आई हूँ अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अब वाकई लोगों डर लग रहा है, बिकॉज बीइंग अ फूड व्लॉगर और बीइंग अ फूडी, मुझे हो रहा है पता नहीं अब डॉक्टर साहब किस चीज को नेक्स्ट टारगेट करेंगे कि मेरे, क्योंकि मेरी हर वीडियो पे ना लोग आपको टैग कर रहे होते। इवन माय मदर टैग्स यू एंड शी इज लाइक, ये डॉक्टर अफान को मैं टैग करूंगी ताकि वो देखे कि तुम आज जाके क्या फूड ब्लॉग बना रही हो। देखिए बेसिकली ना, आप लोग जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं, मैं उनको ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, मेरे पे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स ने बहुत ज्यादा मीम्स भी बनाए। देखिए अच्छा। नथिंग इज टू टारगेट व्हाट इज, जो भी आप दिखा रहे हैं, टारगेट से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना है कि पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट आ जाए कैलरी काउंटिंग का। मतलब आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना है। एक वो कि जो आप खा रहे हैं इट्स हाइजीनिक और नॉट, वो साफ बिल्कुल। सुथरा है कि नहीं। पाकिस्तान में फूड अथॉरिटीज के साथ अगर आप मिलकर चलें, आपको अंदाजा होगा कि यहाँ बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जहां आटा पैरों से गूंदा जाता है, तो हम बिल्कुल रोटी तो ऐसा मना ही नहीं है, कर देंगे। बिल्कुल एक ऐसा ही है। तो हाइजीन का ख्याल रखा जाए, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्शन कंट्रोल या कैलोरी काउंटिंग। अब अगर आप एक एक्स्ट्रा स्नैक में चार समोसे और एक चाय का कप, या तीन समोसे और एक चाय का कप ले जाते हैं, तो आप अपने एक दिन से ज्यादा की कैलोरीज पूरी कर लेते हैं, और बिल्कुल दिस ऐसा ही है। इज एम्प्टी कैलोरीज, यानी ये वो कैलोरी नहीं है जो आपने इंसान का बच्चा समझ के ली है, आपने बस डंगरों की तरह खा ली है। दिस इज समथिंग विच इज रिडिकुलसली माफ करने के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल आप ऐसा ही है। गिनेंगे कि आपने 2000 कैलोरीज का एटम बम 5-6 फाड़ दिए अंदर, बट बिल्कुल आप ऐसा चाहोगे, हमारे मुंह कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तानी ही में। है। हमारे असल में ना डॉक्टर साहब, हमारे मुंह वैसे भी कंट्रोल में नहीं है। हम लोग ना खाने में भी कंट्रोल नहीं रखते, फिर हम बातों में भी कंट्रोल नहीं रखते। लेकिन अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम लोग इतना, कुछ लोग होते हैं ना वो कहते हैं हम इतना सारा ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद ना हमें ना डाइट कोक मंगवा दो, हमें ना ग्रीन टी मंगवा दो, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये तो बिल्कुल एक बेवकूफाना बात है ना, कि अगर आपने इतनी कैलोरीज एक्सेसिव ले ली और उसके बाद यू आर बिहेविंग लाइक दिस कि यू आर बहुत बड़ा डाइट कॉन्शियस मैन, स्टेटस सिंबल एग्जैक्टली। बंदा, वो फिर उस चीज का तो फायदा नहीं है। बिल्कुल। एवरीथिंग यू हैव टू डू इज के एक, अगर आप मर्द हैं तो 2000 कैलोरीज, 2000 से 2500, और अगर आप बिल्कुल फीमेल हैं तो 1500 से 2000 कैलोरीज। इससे सही। ज्यादा आपका इंटेक बनता नहीं है। इससे ज्यादा अगर आप इंटेक लेते हैं, आप अपने आप को रिडिकुलसली डैमेज करते चले जाएंगे। वक्त आएगा आपका बीएमआई बढ़ेगा, बॉडी मास सही, इंडेक्स बढ़ेगा, बिल्कुल आप ऐसा ही है, मोटे होंगे। जब आप बिल्कुल। मोटे होंगे तो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, आगे चल के दिल का दौरा, फॉलिज के अमराज, डिप्रेशन, ये सब आम होता जाएगा। इंसोमनिया बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, रात को नींद नहीं आती लोगों को, और वो बिल्कुल। जाके फिर रोज फ्रिज खोल के खा ही रहे होते हैं, जिसकी वजह से नींद। कुछ ऑर्डर कर रहे होते, वो कहते हैं ना मिडनाइट डील्स तो सारी चलती ही उसी वक्त है। मैं एक जुमला यूज करता हूँ, वो माइंड ना कर जाए वाले, के फूड पांडा और ये बने हैं मुहज्जब कौमों के लिए। हमारी पूरी कौम पांडा बन गई है ये खा खा के। बिल्कुल
जैसे कि आपने कहा कि हमारी पूरी कौम पांडा बन गई है, तो भाई हमारा तो असल में कल्चर ही खाने से रिलेट करता है ना, खाने के अलावा तो लाइक हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को भी लेके जाना चाहे ना अच्छी की तरफ, वो फिर भी वो क्रेविंग्स हमारी ना आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाय बहुत शौक से पी रही होती, लेकिन फिर मैंने आपकी एक दो वीडियोज भी देखी कि आपने बताया कि चाय का भी इनटेक इंसान को कम करना चाहिए। इवन मेरी अम्मी भी यही बोलती कि तुम बहुत ज्यादा चाय का इनटेक करते हो। अच्छा, कॉफी और चाय दोनों मेरी बहुत ज्यादा इनटेक है, तो उस पे आप क्या बोलेंगे कि इसको कितने लेवल पे एक नॉर्मल पर्सन जो चाय और कॉफी को बहुत अच्छे से ले रहा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑफिस गोइंग भी है, फिर वो फूड ब्लॉगिंग भी कर रहा है बाहर जाके, तो उसकी कितनी इनटेक लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए? देखिए, दिन में मेडिकल साइंस रिकमेंड करती है कि कॉफी, जो ब्लैक कॉफी है, इट इज गुड फॉर लिवर, इट्स गुड फॉर लिवर, और वो भी 2 to 3 cups, 2 cups एवरेज, इससे ज्यादा ठीक नहीं है ब्लैक कॉफी। ग्रीन टी भी इतनी, चाय अल्टरनेट डे पे 1 cup इज फाइन इफ यू आर कटिंग डाउन योर कैलोरीज। 43 अरब रुपए की चाय पाकिस्तानी 4 माह में पी गए हैं। ऐसा ही है। और कर्जा कितना लिया है, मतलब हम लोग कहां जा रहे हैं, ये इकोनॉमी पे भी कितना बड़ा डिजास्टर है, हेल्थ पे तो है ही, और इससे जो क्रॉनिकली जब आप ये पीते रहते हैं, माउथ अल्सर्स, मुंह में छाले, गैस्ट्राइटिस, बदहजमी, तेजाबियत, जलन, खट्टे डिकार आना, रात को हाजम ना होना, मुंह में पानी आते रहना, बार बार बदहजमी सी हो जाना, आप कॉन्टिन्यूसली जब अपने स्टमक की म्यूकोजल लेयर, इसके ऊपर एक तय होती है, उसको आप कॉन्टिन्यूसली जब इतने हॉट लिक्विड्स का एक्सपोजर देते हैं सालों तक, तो 55 साल 60 साल की उम्र में जब मेरे पास बाबा जी आए होते हैं, वो कहते हैं जी कुछ हजम होता ही नहीं, जड़ा खाइए उल्टी आ जाती है। पाकिस्तान में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने जिंदगी, मैं अब 34-35 साल का हुआ हूं, अब क्रॉनिक गंदे खाने और एक्सपोजर, आप अपनी जिंदगी क्यों एक अच्छे लाइफस्टाइल पर नहीं रखते? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन असल में ना एक चीज होती है ना कि हमारे हर खानों से सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। भाई देखें, अब आपने समोसे को जैसे ही टारगेट किया, सारे ऐसे उठकर आए कि उन्होंने आपके खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी कि हम समोसा पिटीशन फाइल करें डॉक्टर अफान के। आपको एक मजे की बात बताऊं जी, ये आपके लिए अजरन मजाक होगा, लेकिन मेरे पे पिटीशन फाइल हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल फाइल हुई है। मैंने वो बकायदा, मैंने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे आई थी, मैंने पढ़ी जरूर है उसका वो छोटा सा पार्ट जो लोगों ने ट्वीट किया था, एंड आई वाज लाइक कि मतलब आपने ना सबको ऐसे करके झंझोड़ दिया है, आपने पिज्जा टारगेट किया, किसी को नहीं फर्क पड़ा, लेकिन जैसे ही आपने समोसा और बिरयानी को किया है ना, मतलब जब मैंने बिरयानी की वीडियो देखी, मैंने बोला मैं तो मतलब आई एम लाइक क्रेजी फॉर बिरयानी और चाय। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब को स्टेटस डालना जरूरी है कि डॉक्टर साहब सब ठीक था, बिरयानी क्यों? इट्स अ कैलोरी कट डाउन, जो बिरयानी का भी मैंने बताया ना आपको, पता है बिरयानी की एक प्लेट, एक मीठा जो आप उसके बाद खाते हैं, और एक कोला ड्रिंक, इस सारे की कैलोरीज खत्म करने के लिए जो आपने कंज्यूम कर ली, यू हैव टू डू 34 किलोमीटर मैराथन, 34 किलोमीटर। तो अगर आप कराची में है तो आप खुद सोच लें आपको कितने कराची का चक्कर लगाना पड़ेगा 34 किलोमीटर पूरे करने के लिए। बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर साहब जैसे अब फूडीज हैं हम लोग, ठीक है, अब जाहिर सी बात है फूड ब्लॉगिंग हम अपने शौक से भी कर रहे होते हैं, फिर लोगों को हम अच्छी अच्छी जगह भी बता रहे होते, लेकिन हमारा कल्चर ही सारा स्ट्रीट फूड की तरफ जा रहा है इतना, और हमारे स्ट्रीट फूड जैसे कि आपको पता है उन्हें ये नहीं पता होता कि वही वाली बात जो आपने कही थी ना कि वो तेल जो जिसमें तेल में जाता है, तो अगर दादा तेल डाल रहा होता, पका रहा होता, उसमें से पोता भी पका रहा होता है, मतलब वो इतना यूज हो रहा होता है, फिर वो कंटेनर्स में भी आगे जाके बिक रहा होता है वो तेल, तो वो जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो तेल की वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। जैसे कि अब यूजली यही होता है कि भाई आप ऑलिव ऑयल में खाना बनाए, तो लोगों को ना डिफरेंस नहीं समझ में आता कि भाई ऑलिव ऑयल भी ऑयली है, ये भी ऑयली है कनोला ऑयल, तो आप थोड़ा सा जरा डिफरेंशिएट करें, क्योंकि उसकी एक बड़ा एक डिफरेंस है कि ऑलिव ऑयल क्यों अच्छा है यूज करने में और जो नॉर्मल ऑयल है वो क्यों नहीं है यूज करने में। इसमें ना मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ये फैटी एसिड्स के कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है बड़े माइक्रो लेवल पे, एंड दिस इज अ ग्रॉस डिफरेंस कि सैचुरेटेड फैट्स क्या है, अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है, बॉडी का बिहेवियर टुवर्ड्स दैट एनिमल ऑयल क्या है, टुवर्ड्स वेजिटेबल ऑयल क्या है, टुवर्ड्स ऑलिव ऑयल क्या है। अब एक नया ऑयल सोया मिल्क और सोया के ऑयल आ गए, कोकोनट ऑयल है, बॉडी ह्यूमन बॉडी का जो बिहेवियर है वो हर ऑयल से डिफरेंट है,
और रिसर्च ने साबित किया है कि जो सरसों का तेल है या फिर जो ऑलिव ऑयल है, इट इज बेटर फॉर योर ह्यूमन बॉडी टू कंज्यूम। ये तहों में नहीं जमता, लेकिन आप अभी भी चाय पी रही हैं, जो नहीं, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। आप मुझे नहीं पकड़ सके आज, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। नहीं नहीं, तो मैंने एहतजाजन इस इंटरव्यू से उठ के चले जाना था। नहीं नहीं, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, मेरी आदत है, मैं चाय बहुत पीती हूँ, लेकिन मेरी चाय शाम। अच्छा, यहाँ मैं आपकी भी एक क्लियर कर दूं, मेरी एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही थी, मैं लोगों को जवाब अमूमी तौर पर नहीं देता होता, लेकिन मैं उस पर दे दूं। ये जितने भी लोग थे, जब वो करेक्टर असैसिनेशन पे आए तो उनको और कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने मेरी 8-8 साल पुरानी पिक्चर्स उठा के वायरल करना शुरू कर दिया। वो पेप्सी की, आपके यहाँ पे कोका कोला की शायद यहाँ पे कैन रखा हुआ है, वो वाली फोटो है। डाइट कोक की बोतल थी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेरे सामने मेहमान बैठे हुए थे उनके आगे ब्लैक कॉफी मंगाया गया था, और जो मेरी एक और चाय वाली एक आई डोंट नो एक खुफो की चलाकियों वाला पेज था, वो चलाकियां भी पुट्ठी सीधी कर रही थी उन्होंने, जो मेरी पुरानी पिक्चर्स कुछ जोड़ी, उन दोनों में ब्लैक कॉफी थी, वो चाय नहीं पकड़ी भी मैंने हाथ। लिटरली ट्रेंडिंग, क्योंकि आपने ना सारे फूडीज के जज्बातों के साथ इतना बुरे तरीके से खेला है कि वो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो सारा कमबैक पर आ रहा है। हाँ, मैं मीम्स को कभी माइंड नहीं करता। नहीं, इट्स एक्चुअली वेरी गुड एंड वेरी फनी आल्सो। हाँ, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन कहीं भी जब हम जज्बाती होते जाते हैं ना, एक चीज हो जाती है कि हम कहते हैं कि हम उस लाइन को क्रॉस करने लगे, जैसे कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देना फॉर समोसा थिंग इज एन ओवर थिंग। आप शुक्र करें समोसे पे की, अगर बिरयानी पे की होती तो वो तो वाकई में आप पे जो है ना बात कर देंगे। आप इमेजिन करें, इस कैंपेन के बाद मेरा कोई लीगल एडवाइजर नहीं था, आई हायर्ड अ लीगल एडवाइजर। ओह माय गॉड, रियली? यस, जाहिर है मेरे पे केस करी जा रहे थे लोग समोसे पे। तो हमारी आवाम बहुत 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 ज्यादा जज्बाती है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? मुझे पता है क्या लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप निहारी को टारगेट कर दे नेक्स्ट। मैंने वैसे अगली वीडियो सेब पे बनाई है, क्योंकि अब मैं लोगों को बताना चाह कि क्या खाएं। और मुझे लगा आप निहारी को करेंगे टारगेट, पता नहीं, क्योंकि बिरयानी के बाद ना हमारी आवाम जुड़ी हुई है निहारी से। हाँ, लेकिन वैसे निहारी इज गुड, निहारी इज गुड, इट हैज हाई प्रोटीन कंटेंट। हाँ, अगर मसाले कम हो निहारी इज गुड, बजाय इसके अगर निहारी के ऊपर वो इज नॉट गुड, तेल ना डाला हुआ उसका जो तरी होती है। तो भाई, इन द एंड आपके पास क्या मैसेजेस सारे फूडीज को, मुझ जैसे फूड ब्लॉगर्स और फूडीज को, कि हम फूड ब्लॉगिंग भी करते रहें और हमारा ये जो पैशनेट हमारा फूड ब्लॉगिंग है ये खत्म भी ना हो, लेकिन फिर एक डॉक्टर की एडवाइस से वो क्या इसको आप कंक्लूड करेंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, फूड व्लॉगिंग जो है पूरी दुनिया में की जाती है। आप माशाल्लाह इतनी मशहूर फूड व्लॉगर हैं पाकिस्तान की, और लोग भी करते हैं बाहर, इंटरनेशनल दुनिया में भी की जाती है। बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है, और हाई कैलोरी फूड पे भी की जाती है। बिल्कुल, अगर हम जैसे स्मोकिंग पे एक डिस्क्लेमर चलाते हैं, हम अगर एक डिस्क्लेमर अपने कुछ ऐड कर लें, जैसे मैं भी करता हूँ, एतदाल में खाएं, कैलोरी काउंटिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उससे पहले एक डिस्क्लेमर आए कि ये जो, या बाद में आए कि ये जो दिखाया गया है या ये जो बताया गया है, ये बताया गया है कि दिस इज समथिंग विच इज गुड फूड एंड विच यू शुड एंजॉय विद फैमिली, बट इट इज नॉट टू बी टेकन एज ए पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। पिज्जा शुड नॉट बी ईटन डेली, बिरयानी शुड नॉट बी टेकन डेली, हम सुबह शाम खा रहे होते हैं। चाय जो है उसको पानी की जगह ना पिया जाए। हमने थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमने अपने आप को ये समझाना है कि हम बहुत ज्यादा, तो आप करें फूड व्लॉगिंग्स जितनी करनी है करें, जो दिखाना है दिखाएं, लेकिन एक इंडोर्समेंट होनी चाहिए हाइजीन की। बिल्कुल, मैंने इंडिया के कुछ फूड व्लॉगर्स देखे हैं, मुझे इंडिया में बहुत लोग फॉलो करते हैं, इवन एक मुझे समोसे की वीडियो एक तमिलनाडु से भी आई है, और समोसे पे मीम बने और तमिलनाडु के लोगों ने बनाया, और मुझे सिखों में, हरियाणा के सिखों ने कहा है समोखा समोसा साड़ी ये गजा है अफान कैसे है, मतलब सिखों ने बनाई है। तो मैं उन सब फूड व्लॉगर्स को ये कहना चाहता हूँ, डू नॉट प्रमोट अनहाइजीनिक कंटेंट। बिल्कुल, ये नहीं कि वो चाचा, अब व्यूज पढ़ते हैं उसको, अब एक चाचा साहब गंदे से उससे रेडी साफ कर रहा है, उसी से पसीना साफ कर रहा है, अब हमारा है भी ऐसे ही। आप तंदूर पे फिर दिखाएं ना कि वो आटे का पेड़ा यूं करके बनाता है, वो दिखाएं। तो वो प्रॉब्लम ये है, जब ये प्रमोट होता है ना, तो फिर उससे लोग समझ लेते हैं कि भाई दिस इज नॉर्म, खैर है गंद खा लवांगे प्रोटीन आएगी, वो कहते हैं रोटियां पकाने वाले के पसीने से प्रोटीन आता है। एग्जैक्टली, और ये बिल्कुल, मतलब इतनी कोई किरायत वाली बात होती है कि आप देख रहे हैं कि आप किस जगह पे जा रहे हैं। एक तो मुझे ये भी चीज होता है कि वो चीज ज्यादा वायरल होती है जिसमें
बहुत ज्यादा खाने पे ना गंदगी से खाना बनाया जाता है वो ज्यादा वायरल हो रही होती है। डॉक्टर इरफान बहुत बहुत मजा आया, इतना मजा आया आपको तंग करके भी थोड़ा सा, और बहुत अच्छी अच्छी आपने बात भी बताई। फूड ब्लॉगर्स को ना एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, जो लोग भी फूड ब्लॉगिंग करते हैं या इंडस्ट्री से ज्वाइंट है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देयर इज नथिंग पर्सनल बिटवीन यू एंड मी एंड आई लाइक योर मीम्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड के पाकिस्तान ओबेसिटी के एक एपिडेमिक से 40% लोग अमेरिका में ओबेसिटी मोटापे का शिकार है ड्यू टू बैड फूड हैबिट्स। कनाडा में एक कंपेन चली, उन्होंने सिगरेट छुड़वा दी अपनी यंग जनरेशन की, अब वो सिगरेट को जहर समझते हैं कैनेडियंस। आज अगर एक नुक्ता आगाज हो ही गया और आम पब्लिक जो एक डॉक्टर को कसाई से ज्यादा नहीं गिनती थी, अगर आवाम सुन रही है, ट्रस्ट मी, मैंने अपने डॉक्टर दोस्तों को यही कहा, मैंने कहा आज तो पहले तुहानू आवाम ने या साफिया ने मुंह लाया, पर आज अगर ये सुन रहे हैं और कसाई से ज्यादा नहीं रुतबा देते थे, और बहुत आपने जब भी सुनी होगी खबर डॉक्टर के लिए बुरी सुनी होगी, ऐसा इज्जत नहीं करता था, और मैं थैंकफुल हूँ आप सबका, आवाम का के बात सुन रहे हैं, मीम्स भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एटलीस्ट दे आर लिसनिंग और पॉजिटिवली लिसनिंग। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि खुदारा कैलरी काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर आए, इसमें बहुत सारी एप्स भी अवेलेबल है, दिन में गिने, पोर्शन कंट्रोल करें, अपनी हेल्थ को देखें, और प्रेफर करें पाकिस्तान में आने वाले वक्त में घरों के अंदर खाने को प्रेफर किया जाए। डॉक्टर साहब हमारे खुद जो है कराची में इतने सारे होम शेफ्स हैं जो बाकायदा घर का खाना हम जैसे फूड ब्लॉगर्स को भेजते हैं कि भाई आप इस चीज को प्रमोट करें, और बाकायदा मैं तो खुद होम शेफ्स के पास गई भी हूं उनका ये दिखाने के लिए कि उन्होंने किस तरह से एक छोटे से फ्लैट में या फिर अपने घर में से किस तरह से उन्होंने जो है वो ये सेटअप स्टार्ट किया है। अभी मैं एक डिस्क्लेमर देने लगा हूँ वीडियोस, अभी एक बहुत बड़ा मैं धमाका करने लगा हूँ। मैं एक लाहौर की एक चेन ब्रेक किया मैंने, गन से भरी हुई, 18,000 खवातीन फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई एक यूनिवर्सिटी, ओह माय गॉड, ड्यू टू बैड कैफेटेरिया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के लोग अपने कैफेटेरियाज को चेक करें, स्कूलों के प्रिंसिपल अपने कैफेटेरियाज को चेक करें। जब एक बच्चा आपके इदारे में घुसता है, आप उसकी सेहत और हिफाजत के अमीन है। अगर आपकी कैंटीन पे उसको गंद खिलाया जा रहा है, इट मींस यू आर किलिंग दैट पर्सन। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आपको फिर से दोबारा तंग करूंगी। ऑलवेज वेलकम, ओह थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।